अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में ट्रायल बैलेंस क्या है और उससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। इसके पहले हमने आपको ओपनिंग बैलेंस डालते हुए एक नई कंपनी बनाना और उसके बाद उस कंपनी में कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए दिए थे। इन दोनों वीडियोस के आधार पर ही हम इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस के बारे में और इसके बाद के दो वीडियोस में बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे। जिस तरह परीक्षा के बाद रिजल्ट का महत्व होता है, उसी तरह व्यवसाय में भी इन रिपोर्ट्स का महत्व है। यदि आप सफल व्यवसायी या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो इन सभी वीडियोस को जरूर देखें। इसके पहले हमने आपको हमारी वीडियो नंबर 8 में बताया था कि मैनुअल अकाउंटिंग में लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, जबकि टैली हमें खुद ही ट्रायल बैलेंस बनाकर दे देता है। आज हम आपको टैली के द्वारा बनाई जाने वाली ट्रायल बैलेंस की जानकारी दे रहे हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक बार ट्रायल बैलेंस की परिभाषा फिर से देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस सभी अकाउंट्स यानी लेजर से ज्ञात किए गए डेबिट और क्रेडिट पक्षों के योग के पश्चात निकाले गए अंतर की एक सूची है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में आप सभी अकाउंट्स यानी लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस एक साथ देख सकते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि इसकी उपयोगिता क्या है। इसके मुख्यतः दो उपयोग हैं। पहला, इसकी सहायता से आपको अपनी कंपनी के सभी लेजर्स की समरी एक जगह पर प्राप्त हो जाती है, जिसका अध्ययन करके आप कंपनी की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा, इसी के आधार पर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। ये हम आपको बाद वाली वीडियो में बताएंगे। ट्रायल बैलेंस को अच्छे से समझने के लिए पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं, जैसे कि कुछ लेजर्स को खोलकर उनका ओपनिंग बैलेंस, उन लेजर्स को लेकर जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनका लेजर के डेबिट और क्रेडिट अमाउंट पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी उनके करंट टोटल डेबिट और करंट टोटल क्रेडिट अमाउंट क्या हैं, और उनका क्लोजिंग बैलेंस, ये सभी एक जगह पर लिख लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। लेजर देखने के लिए डी प्रेस करेंगे, अब ए प्रेस करेंगे, अब एल प्रेस करेंगे। यहां से लेजर का नाम सेलेक्ट करें। हम सबसे पहले कैश सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए कैश का लेजर आ रहा है। हम F2 प्रेस करके 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का पीरियड यानी पूरा फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस 6,800, करंट टोटल डेबिट अमाउंट 4,16,500, करंट टोटल क्रेडिट अमाउंट 3,57,673 और क्लोजिंग बैलेंस 65,627 है। हमने ये सभी चार्ट में लिख लिया है। इसी तरह हमने दो और लेजर्स की डिटेल्स भी यहाँ पर लिख ली हैं। यहाँ हमने बीच में एक कॉलम खाली रखा है, इसमें नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट लिख लेते हैं। नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट से तात्पर्य है कि लेजर में जो भी टोटल अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ है, ये उन दोनों का डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ कैश के लेजर में करंट टोटल डेबिट अमाउंट 4,16,500 और करंट टोटल क्रेडिट अमाउंट 3,57,673 है, और इन दोनों का डिफरेंस 58,827 है। ये इसका नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट कहलाएगा। चलिए अब ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। उसके लिए दो तरीके हैं। पहला, रिपोर्ट्स हेडिंग के अंतर्गत डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएं और यहाँ से ट्रायल बैलेंस को सिलेक्ट करें। दूसरा तरीका है गो टू पर जाएं। देखिए यहाँ भी ट्रायल बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। इसका उपयोग खास तौर पे हम तब करते हैं जब हम टैली में कोई दूसरा काम कर रहे हैं और उसी बीच हमें ट्रायल बैलेंस देखना है, तो उस काम को बंद किए बिना ही आप यहाँ से ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। हम एस्केप की प्रेस करके वापस चलते हैं।
अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए डी प्रेस करें, फिर यहाँ ट्रायल बैलेंस के लिए टी प्रेस करें। इसमें राइट साइड में पीरियड लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से जिस तारीख में आपने कंपनी में आखिरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होता है वो तारीख आती है। F2 की प्रेस करके आप अपनी जरूरत के अनुसार पीरियड बदल सकते हैं। ध्यान रखें, आप जब भी कोई रिपोर्ट देखें सबसे पहले उसका पीरियड जरूर चेक कर लें। पर्टिकुलर्स में सभी मुख्य ग्रुप्स के नाम आ रहे हैं और राइट साइड में उन सभी ग्रुप्स के डेबिट या क्रेडिट जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को डिटेल में देखने के लिए ऑल्टर और F5 कीज प्रेस करें। ये डिटेल रिपोर्ट आ रही है, पर इस रिपोर्ट में हमें सब ग्रुप्स के अंतर्गत बने लेजर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन एंड एडवांसेस, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स। यदि आप इनकी डिटेल्स भी देखना चाहते हैं तो उन ग्रुप के नाम पर जाकर शिफ्ट और एंटर प्रेस करें। देखिए, ऐसा करते ही हमारे सब ग्रुप्स के अंदर जो भी लेजर्स बने हुए थे उनके नाम और क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देने लगे हैं। ट्रायल बैलेंस का एक बड़ा फायदा ये भी है कि हमें एक ही स्थान पर एक साथ ये भी मालूम पड़ जाता है कि हमें किस सप्लायर को कितना देना है और किस कस्टमर से कितना लेना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जिन लेजर्स का बैलेंस जीरो होता है उनके नाम ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है ट्रायल बैलेंस। जब बैलेंस ही नहीं है तो यहाँ पे नाम क्यों दिखाई देगा भला। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खास बात समझ लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस में लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, और ये बात हमने जो तीन लेजर्स की समरी तैयार की है उसके क्लोजिंग बैलेंसेस को देखकर आप समझ सकते हैं। इससे आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि ट्रायल बैलेंस सभी लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस की एक समरी है। यहाँ हम आपको मैनुअल अकाउंटिंग में हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाकर बताया था वो भी दिखा देते हैं। देखिए, दोनों में प्रेजेंटेशन का थोड़ा फर्क है, बाकी सब एक जैसा है। अब यदि आप बगैर ग्रुप्स के सिर्फ सभी लेजर्स देखना चाहते हैं तो F5 की प्रेस करें। ये देखिए, ऐसा करते ही हमारे वो सभी लेजर्स जिनमें क्लोजिंग बैलेंस है दिखाई पड़ रहे हैं। फिर से पहले वाली स्थिति में आने के लिए एक बार फिर F5 की प्रेस करें। अब यदि आप ट्रायल बैलेंस में दिखाई पड़ रहे किसी लेजर की मंथली समरी देखना चाहते हैं तो उस लेजर पर जाकर एंटर प्रेस करें। इसके बारे में हम डिटेल में आपको लेजर रिपोर्ट्स में पहले ही बता चुके हैं। हम एस्केप की प्रेस करके वापस ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं टैली की। टैली हमें ट्रायल बैलेंस में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस देखने की ही सुविधा नहीं देता, बल्कि अन्य कई डिटेल्स भी हमें इस रिपोर्ट से मिलती हैं। आइए देखते हैं कैसे। उसके लिए हम F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं। यहाँ एक एक ऑप्शन के नाम को ध्यान से पढ़ें। शो ओपनिंग बैलेंस को यस करें। इससे हमें वो ओपनिंग बैलेंस दिखाई पड़ेंगे जो हमने कंपनी में लेजर्स बनाते समय डाले थे। इसके बाद शो ट्रांजेक्शन से तात्पर्य ये है कि हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं उनका जो भी टोटल डेबिट और क्रेडिट अमाउंट है वो दिखाई पड़े। हम इसे यस कर रहे हैं। नेट ट्रांजेक्शन्स ओनली अभी नो है, इसे हम नो ही रहने दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ टाइप ऑफ ग्रुपिंग में ग्रुप वाइज ही रहने दें और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल्ड ही रहने दें। अब एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट को यस कर दें। इससे हमें सभी स्तर तक की रिपोर्ट डिटेल में प्राप्त होगी। और अब इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये देखिए, पहले यहाँ सभी लेजर्स के सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ही आ रहे थे और अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस
जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उनके डेबिट और क्रेडिट अमाउंट और अंत में सभी के क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि ये वही ओपनिंग बैलेंस हैं जो हमने लेजर बनाते समय डाले थे, और इसी तरह हमने उस कंपनी में जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए थे उन्हीं के डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हैं। ये देखिए, हमने जो तीन लेजर्स की समरी बनाई थी ये उसी तरह की सभी लेजर्स की समरी है। इस तरह आप ट्रायल बैलेंस की सहायता से एक ही जगह पर सभी लेजर्स की समरी प्राप्त करके उनका अध्ययन करके अपनी कंपनी की स्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं। अब यदि आप ट्रांजेक्शन के अलग अलग डेबिट और क्रेडिट अमाउंट की जगह सिर्फ नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करके नेट ट्रांजेक्शन ओनली को यस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। देखिए, यहाँ ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट अमाउंट की जगह सिर्फ नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट ही दिखाई पड़ रहा है। चलिए इसको भी हमने जो तीन लेजर्स की समरी बनाई थी उससे मिला लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में किस ऑप्शन का क्या प्रभाव पड़ता है इसे अच्छे से समझने के लिए आप एक एक ऑप्शन को यस और नो करके और जिन ऑप्शंस में सब ऑप्शंस हैं उनमें से भी हर ऑप्शन को सिलेक्ट करके जरूर ट्राई करें, तभी आप उनके सही उपयोग समझ पाएंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक PDF दे रहे हैं। यदि आपने इस वीडियो के पहले वाली दो वीडियोस के आधार पर कंपनी बनाकर उसमें काम किया हो तो आप टैली में अपने ट्रायल बैलेंस को ओपन करके हमारे दिए गए ट्रायल बैलेंस के PDF से मिला लें। ऐसा करने से यदि आपने लेजर्स या उनके ग्रुप्स बनाने में कोई भूल की होगी तो आपको पता चल जाएगा और आप उसे ठीक कर सकेंगे। इस वीडियो में हमने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में जानकारी दी। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और ट्रायल बैलेंस के आधार पर उसे कैसे बनाते हैं।